हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो अभी राज्य सैनिक बोर्ड का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। ये आपका जो रिक्रूटमेंट है ये फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म किस दिन ओपन हो रहे हैं, बंद किस दिन हो रहे हैं। तो ये आपका 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह 10 बजे से इसका आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फिल करने का। और इसको फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट है दैट इज 24 मई टिल 3 PM। अब ये जो एग्जामिनेशन की डेट होगी वो सर आपका दो डेट्स दी गई हैं, 16 जून और 23 जून। अब इसमें देख लेते हैं सर कौन कौन सी पोजीशंस के लिए ये आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें एक है सर आपका यूडीसी, एक है आपका एलडीसी, एक है आपका एमटीएस और एक है सर आपका ड्राइवर पोजीशन। तो आप देख सकते हो कुल मिला के टोटल इसमें 8 वैकेंसीज हैं। अब इसमें अगर आगे फर्दर हम बात करें तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स की हमने बात कर ली है। तो एक एक पोजीशन की अगर हम बात करें, जैसे यूडीसी की बात करें अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसमें 15 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ग्रेजुएशन इन एजुकेशन रिक्वायर्ड है। एलडीसी की अगर हम बात करें तो 12 पास होना जरूरी है और 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए कॉम्पिटेंट प्रेफरेबली क्लर्क इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपका जो एमटीएस है उसमें सर आपका 10 पास सर्टिफिकेट की जरूरत है और मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर कोई ईयर की लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो ड्राइवर के लिए है, इसमें भी 10 पास सर्टिफिकेशन चाहिए और इसमें भी एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। अब अप्लाई करने के बाद सर अब आता है सर एग्जामिनेशन फीस 154 APST, 200 फॉर जनरल, ये आपका फी है। एग्जामिनेशन में सर क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए आपका जो यूडीसी हो गया और जो एलडीसी हो गया और जो एमटीएस हो गया, इन तीनों एग्जामिनेशन में आपका 4 सब्जेक्ट कवर होंगे। एज पर जो लेटेस्ट पैटर्न APSSB का चल रहा है, एज पर लेटेस्ट पैटर्न ये आपके 4 सब्जेक्ट इसमें कवर हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जो इंग्लिश पेपर है। तो टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। ये सारे जो भी एग्जामिनेशन है, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करा रहे हैं। तो अगर आप हमसे ये कोर्सेस इसके रिगार्डिंग परचेस करना चाहते हैं या इसके कोर्सेज के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप करिए 8076535685 पर। नेक्स्ट सर अगर हम ड्राइवर वाले एग्जाम की बात करें तो इसमें भी यही सारे आपके पेपर्स होंगे, ठीक है। इसमें बस एक पेपर आपका ऐड हो जाता है, टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल पेपर 100 मार्क्स का होगा, जैसे यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, हर सब्जेक्ट 50 मार्क का है, यहाँ पर 25 मार्क का है, बस ये डिफरेंस है। लेकिन टोटल इसमें भी 200 मार्क्स का होगा, एक टेक्निकल पेपर जो ड्राइवर स्किल से रिलेटेड है वो इसमें एड ऑन हो जाएगा। बाकी आप सिलेबस भी यहाँ पर इनका मेंशन है, जीके में ये क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग में इनका क्या सिलेबस है और आपका जो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी या इसको हम जो एलिमेंट्री मैथ्स अमूमन जनरली जानते हैं उसमें क्या सिलेबस है, फिर ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन लगभग वही सिलेबस है, बाकी जो एग्जामिनेशन APSSB पूछता है उसके इक्विवेलेंट ही है। नेक्स्ट ड्राइवर में भी आपका जो जीके रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश है वो यहाँ पर सेम रहेगा। इसमें एक पेपर आपका टेक्निकल पेपर रिलेटेड हो जाता है जिसमें रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के साइनेजेस से रिलेटेड पूछा जाएगा। और APSSB का जो वो पैटर्न होता है मिनिमम 33% हर एक सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, वो यहाँ पर भी रहेगा। एक जो डाउट रहता है क्या निगेटिव मार्किंग होगी, तो यहाँ उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। और जो एलडीसी के लिए होंगे उनके लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट में उनको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए ये आप यहाँ पर जो वेबसाइट है APSSB.NIC.IN इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी और जो फर्दर डिटेल्स हैं इसमें यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी मेंशन है, आप इसमें एक बार उसको नोटिफिकेशन को APSSB की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी APSSB के रिगार्डिंग आपके कोर्स की कोई भी क्वेरी है, हमारा कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका GK प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपका ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन में आप हमारे ईटानगर एंड नाहरलगुन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट PSC फ्रॉम प्ले स्टोर। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है APSSB कोर्स से रिलेटेड तो 8076535685 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही,
ऐसी एपीएसएसबी और एपीपीएससी की जो भी नोटिफिकेशन आपकी आती रहेगी उसके रिलेटेड मैं आपको नोटिफिकेशन में गाइड करता रहूंगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो कीप कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हैव अ नाइस डे।